हाय एवरीबॉडी, आज पहली बात लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दोज वर न्यू ओवर ईयर। आई एम ईशा, आई एम वन एंड ओनली फीमेल ब्लॉगर हु इज देयर इन डार्विन नॉर्दर्न टेरिटरी। इफ यू वांट टू सी द लाइफ हियर इन नॉर्दर्न टेरिटरी, दैट हाउ आई एम लाइक हाउ द लाइफ इज ओवर ईयर, व्हाट आई एम स्टडिंग, व्हाट आई एम डूइंग, आई जस्ट विजिट टू डिफरेंट प्लेसेस इन माई ब्लॉग्स। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इवन इफ यू प्लानिंग टू मूव टू द नॉर्दर्न टेरिटरी, आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट इज वेल। ऑल राइट, सो इन माई टुडेज़ वीडियो व्हाट आई एम गोना डू इज दैट एक्चुअली लाइक इन इंडिया यू मस्ट हैव सीन दैट देयर आर कपल ऑफ फूड डिलीवरी apps, and like in India we have Uber Eats, we have what else, we have Swiggy, we have Zomato, yeah, all these things we have. So over here there is Uber Eats, there is DoorDash, and there is Menulog, and there must be other apps also. But what I've done is, there was a long weekend over here because of the Easter. What I've done is, just to check it off, I've installed DoorDash, and after installing DoorDash, what I'm gonna do today is I will do DoorDash. It's 3:40 right now, so almost 3:30. Let's just see that how much money I will be able to make via DoorDash. What I'm gonna do is, I am going to deliver the food, and at the end I'll just take you along with me in this journey. Let me know in the comments section that what you are expecting, that how much I'm gonna make. Those who are familiar with this custom, like it works, like how much, you know, like an average food, like I was asking one of my friends and she told me that an average food delivery can give you somewhere around $7 to $8. So an average food delivery, it is gonna give you, it really depends on the order as well, but the average food delivery gives somewhere around $6, $7, $10, $20, something like this. So let's see that how much money I am going to make today. It's 3:40 right now, somewhere around 3:30, and I will take you along with this. I will take you all along in this journey. So ये मैं पहला order लेकर आई हूँ, and my first order is of $6 something, some cents from DoorDash, from McD, and now I'm going to deliver this order. ऑल राइट, अपना पहला ऑर्डर तो डिलीवर करके आ गई हूँ। पता नहीं उसके घर का एड्रेस ही नहीं मिल रहा था, जस्ट लॉक इट। ऑल राइट, अपने पहला ऑर्डर डिलीवर करके आ चुकी हूँ। दूसरा ऑर्डर पहला ऑर्डर था मैकडी इन सिटी, अभी दूसरा है मैकडी इन स्टुअर्ट पार्क, वो भी मैकडी से ही है। ये भी $6 का ही है, 6 और 6 $12 ही बने अभी तक। तो अभी ये ऑर्डर लेने के लिए जा रही हूँ मैकडी, और फिर वो पता नहीं कहाँ पर है, वो तो बाद में पता चलता है कि कितने दूर जाना है अपने डिलीवर करने के लिए। लेट्स जस्ट सी। चलो ठीक है जी, ऑल राइट, मैं अपना अगला ऑर्डर लेकर आ गई हूँ मैकडी से, विच इज़ दिस। अब इसको डिलीवर करने जाऊँगी, 1 मिनट की दूरी पर है, फिर उसके बाद अगला देखेंगे कितने का आएगा। दिस इज़ सो एक्साइटिंग, 6 + 6 = 12। वाओ, ठीक है जी, अभी मैं आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट ऑर्डर, अभी तो ये आ ही नहीं रहा है। आई एम वेटिंग हेयर फॉर 5 मिनट्स, पता नहीं 5-7 मिनट्स, फिर मेरे को लगा वीडियो में ही बता देती हूँ। अभी आई डोंट नो स्क्रीन में दिख रहे हैं, हाँ $12.52 अभी मेरे बने हैं, बट आई एम वेटिंग यार, कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। शायद से मेरे को लगता है DoorDash पे ऑर्डर्स कम ही आते होंगे, Uber Eats पे या फिर और क्या होती है वो Menulog, हाँ उसके ऊपर शायद ज़्यादा ऑर्डर्स आते होंगे, या फिर एक कोई मेरे को ऐसा लगता है कि तीनों के तीनों इंस्टॉल्ड होने चाहिए, तभी कहीं जाके आपको ऑर्डर्स आते होंगे। पर अभी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई थर्ड ऑर्डर, फिर देखूँगी अभी क्या बनेगा। मैंने लिटरली शायद मेरे को लगता है आधे पौने घंटे से इंतज़ार कर रही होंगी, और अब कहीं जाके मेरा अगला ऑर्डर आया है सवाना फिश एंड चिप्स जिंगली, वहाँ से जाके अपना अगला ऑर्डर लेकर आऊँगी और फिर जाके डिलीवर करूँगी। वैसे तो टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को ये काम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वैसे मैं तो ट्रायल के लिए करी थी, दैट हाउ मच अ पर्सन कैन अर्न बाय दिस। अब मैं अपना अगला ऑर्डर लेने के लिए आई हूँ, विच इज़ अगेन मैकडी, और ये मैकडी कहाँ का है मैं दिखा देती हूँ अभी बैक कैमरा ऑन करके। अभी फटाफट से जाऊंगी अपना ऑर्डर लेने, मेरा अगला ऑर्डर पता नहीं शायद $8 का है, हाँ $8 का ऑर्डर है, अभी वो लेने के लिए जाऊंगी, फिर उसको डिलीवर करूंगी, फिर अगला ऑर्डर देखूंगी कि हाउ मच आई एम गोइंग टू मेक टुडे। दैट आई फाउंड इट टायरिंग, आई डिडंट फाउंड इट इंटरेस्टिंग, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा ये करना, क्या ही ड्रामा है ये, बट एनी हाउ सच में इतना ज़्यादा बोरिंग काम है, इतना ज़्यादा बोरिंग काम है। कुछ नहीं, मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो हद से ज्यादा बोरिंग लगा, हद से भी ज्यादा बोरिंग। क्या ये वहां से ऑर्डर लो फिर सेम जगह पे जाओ फिर डिलीवर करो, ये क्या नॉनसेंस है।
मैं तो सीरियसली ये डोरडैश करके इतना ज़्यादा बोर हो गया हूँ। अभी मैं मैकडी पर आई थी ऑर्डर लेने, अब ये दूसरे मैकडी पर मेरे को ले आया। ये देखो दूसरे मैकडी पर ले आया, कह रहा है $12 का ऑर्डर आया है। तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मेरे को लगता है कभी दोबारा कभी ज़िंदगी में सोचूंगी कि चलो ईशा डोरडैश की वीडियो बना लेते हैं, मजाल ही नहीं है। अब तो मैंने बनानी शुरू करी है, तो चल ईशा कोई ना कर ले थोड़े से ऑर्डर डिलीवर भी कर ले, ये भी टाइम याद रहेगा तेरे को। बस यही सोच के कर रही हूँ। लेके आती हूँ फटाफट से अंदर जाके अपना ऑर्डर, अपना अगला ऑर्डर ले आई हूँ मैं $12 का दोबारा से मैकडी पे। बट आई बस क्या बोलूँ, मैं इतना बोरिंग काम है, मैकडी के चक्कर काटते रहो, मैकडी के चक्कर काटते रहो। पर चलो कोई ना, ईशा ध्यान से रोड पर। मैं अपना अगला ऑर्डर लेने आई हूँ जो कि $12 का, ये इंडियन रेस्टोरेंट है विच इज़ सैफरन। और पता ही मैं कितने बजे तक ये करूँगी, वैसे मेरे को लग रहा है मैं रात के 9-10 बजे तक मैं इसको करूँगी, ताकि मेरे को पता चल सके कि एक दिन में हम कितने पैसे बना सकते हैं। अब मैं ऑर्डर लेने जा रही हूँ। चलो बस आई हूँ। वैसे ना मेरे को ऐसे लगता है कि ना सिडनी में वो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और बहुत सारे ब्लॉगर्स को भी देखा है जो अपना ऐसे फूड डिलीवर कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे को लगता है सिडनी में ज़्यादा पैसे बना पाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी डार्विन में सारे रेस्टोरेंट 5 o'clock के बाद खुलते हैं मेजरली। मैकडी, हंग्री जैक्स तो खुला रहता है, और जो दूसरे वो हैं बाकी सारी चीज़ें तो 5 बजे के बाद ही खुलती हैं, मतलब शाम को 5 o'clock के बाद। ऑल राइट, लेट्स जस्ट गो। अब मैं KFC आके बैठी हूँ अपना ऑर्डर लेने के लिए। ये था $12 का ऑर्डर। पता नहीं क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा मैंने ये करा ही क्यों है। पर अब चलो ईशा, कर दिया तो कर दिया, दैट्स ऑल राइट। अब वो यहाँ पे भीड़ भी इतनी ज़्यादा है, वो ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे फिर देवता जी देंगे, दैट्स ऑल राइट। मैं तो ना अपनी ज़िंदगी में बस खुद को तसल्लियाँ ही देती रहती हूँ कि चल कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कर ले वो ऐसे, मतलब बस तसल्लियाँ देती रहती हूँ सारा दिन बैठ के अपने आप। शाम के 6 बजे और अभी तक मैंने, मेरे को लगता है अप्रॉक्सीमेटली $100 बनाए होंगे। अब मैं रेड रोस्टर, ये एक जगह है यहाँ पर जाऊँगी, अब यहाँ से ऑर्डर लेकर आऊँगी। $9 की डिलीवरी है ना ये, हाँ इट इज़ ऑफ $9, आई विल ब्रिंग इट एंड देन वील सी व्हाट विल कम नेक्स्ट। या $100, 3 बजे मैंने शुरू किया था, शाम के 6 बज रहे हैं, मतलब 3 घंटे में $100 बहुत कम है मेरे हिसाब से, तो बहुत कम है। इससे बेटर है कुछ और ढंग का कर लोगे तो आपको इससे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे में $100 यार ऑब्वियसली कम है। आई डोंट नो, बाकी मेरे को कमेंट सेक्शन में अगर कोई ऑस्ट्रेलिया वाले लोग देख रहे हैं वीडियो तो मेरे को बता सकते हो कि भाई 3 घंटे में $100 कम है या ज़्यादा है, बट मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं बोलूँगी कि कम है फॉर श्योर। हाँ जी, मैं ना आई स्टार्टेड माई DoorDash एट 3:30 एंड इट इज़ 6:30 राइट नाउ। अब मैं ये अपना अगला ऑर्डर देने जा रही हूँ, रेड रोस्टर का है, और अभी तक मैंने सिर्फ $70 बनाए हैं। कैन यू इमेजिन ओनली $70 इन 3 hours, इट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ। मेरा तो सच में दिमाग ख़राब हो गया कि पता नहीं मैं ये क्या ही, 3 घंटे में किसके $70 बनते हैं, इससे बढ़िया कि कोई ढंग का काम कर लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ऐसा भी हो सकता था, आई एम ओनली डूइंग DoorDash और दूसरे ऐप्स भी साथ साथ यूज़ करने चाहिए, इसलिए शायद कम पैसे बने होंगे। बट चलो कोई ना, कुछ ना होने से तो कुछ सही होता है। अब ये इस भाई के वहाँ ऊपर देने जानी है, इसकी डिलीवरी दे के आऊँगी इसको। ऑल राइट, अभी रात के 9 बजने वाले हैं, KFC के बार बार और मैकडी के चक्कर बार बार काटते काटते अभी ये ऑर्डर तो कहाँ का लिया है मैंने, कुछ ग्रोव ट्रेन का ऑर्डर था, और ये तो ऑर्डर $6 का ही है। ये बार बार चक्कर काटते काटते रात के 9 बजा के $110 बने हैं अभी। मैं कोई को पता नहीं है, शायद 10 बजे तक करूँगी और फिर ख़त्म कर दूँगी और फिर टोटल बताऊँगी। ऑल राइट, लेट्स जस्ट, चलो ठीक है जी। अभी आई विल बी बिट स्लो बिकॉज रात के 11 o'clock हो रहे हैं एंड आई डिड माई डैश टिल
like DoorDash till 10:30 and I started at 3:30. So 3:30 से 10:30, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 7 hours total in totality मैंने 7 hours के लिए DoorDash करी and I'll even put a screenshot over here of how much I've earned but like I'm disappointed with it to be very frank. But still I think कि कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा ही है. ये आज की समरी है यहाँ पर कि मैंने कितना अर्न किया. 30, 48, 49, 12 which is I guess somewhere around 130 या फिर $140 somewhere around 130 या फिर $140 17 April आज टुडे 17 April which is $140 in 7 hours which is 2 less. तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी को डोर डैश करनी चाहिए. बट स्टिल इफ़ यू फील लाइक डूइंग इट यू कैन. बट लाइक आई वॉज अनहैप्पी विद इट. बट एनी हाउ आई जस्ट एंड इट अप. आई जस्ट एंड दिस वीडियो ओवर हियर. यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप और क्या देखना चाहते हो. आई विल बी सुपर सून बैक विद सम न्यू वीडियोज. बाय. गुड नाइट.